शकीम नगर के निकट बस जाने के बाद याकूब और लिया की बेटी दीना उस देश की और युवतियों से भेंट करने निकली, परंतु उस देश के प्रधान के पुत्र शकीम ने उसे देखा और उसे पकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म किया। और शकीम का मन दीना पर लग गया, वह उससे प्रेम करने लगा और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की, इसीलिए वह अपने पिता के पास सहायता मांगने के लिए गया। इस लड़की को मेरे लिए ले आ, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। जब याकूब ने सुना कि शकीम ने उसकी बेटी को अशुद्ध कर डाला है, उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। जब शकीम का पिता हमोर अपने पुत्र की ओर से याकूब से बात करने आया, याकूब के बेटे पहले ही मैदान से लौट आए थे। तब तक वे सुन चुके थे कि क्या हुआ था और हमोर के बेटे ने जो किया था वे उसके कारण क्रोधित थे, क्योंकि ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्र का मन तेरी बेटी पर बहुत लगा है, उसे उसकी पत्नी होने के लिए दे दो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप पत्नी बना कर लिया करो। हमारे संग बसे रहो और ये देश तुम्हारे लिए उपलब्ध है, इसमें रहकर हमारे साथ लेन देन करो और भूमि को अपने लिए ले लो। तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तुम मुझसे जितना चाहे उतना दहेज मांगो, मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस लड़की को पत्नी होने के लिए मुझे दो। याकूब के पुत्रों ने एक योजना बनाई, शकीम और उसके पिता को छल से उत्तर दिया क्योंकि उसने उनकी बहन दीना को अशुद्ध कर डाला था। उन्होंने उनसे कहा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि यह हमारे लिए निरादर होगा। हम केवल इस शर्त पर तुम्हारा आग्रह मान लेंगे, तुम में से हर एक पुरुष को खतना हो और तुम हमारे जैसे हो जाओ। ये काम करो और हम अपनी बेटियों का विवाह तुमसे करेंगे और तुम्हारी बेटियों से हम विवाह कर लेंगे। हम तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और एक ही समुदाय के हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम हमारी बात न मानकर अपने सभी पुरुषों का खतना न कराओगे तो हम अपनी बहन को लेकर चले जाएंगे। हमोर और उसका पुत्र याकूब के पुत्रों के प्रस्ताव से प्रसन्न हुए। शकीम अपने पिता के परिवार का सबसे सम्मानित सदस्य था और वह दीना को बहुत अधिक चाहता था, इसलिए जो कुछ उससे कहा गया उसे करने में उसने विलंब न किया। तब हमोर और शकीम ने अपने नगर के प्रवेश द्वार पर आकर नगरवासियों से बातें की। वे मनुष्य जो शहर के बाहर रहते हैं हमारे साथ मेल से रहना चाहते हैं, उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो ये देश उनके लिए भी बहुत है, हम लोग उनकी बेटियों से विवाह कर लें और अपनी बेटियों को उन्हें पत्नी होने के लिए दें। वे लोग केवल इस शर्त पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को तैयार हैं, उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी, इसलिए हम लोग उनकी बात मान ले। इसलिए जितने मनुष्य उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकीम की बात मान ली और हर एक पुरुष का खतना किया गया। उन पुरुषों का खतना होने के तीसरे दिन वे अब भी पीड़ित पड़े थे। याकूब के दो बेटों शिमोन और लेवी ने अपनी तलवारें लेकर साहस से नगर पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपनी तलवारों से हर एक पुरुष को मार डाला। इसमें हमोर और शकीम भी शामिल थे और वे अपनी बहन दीना को साथ लेकर चले गए।
तब याकूब के पुत्रों ने नगर में घुसकर उसे लूट लिया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गदहे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उन्होंने उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी ले लिया, बल्कि उनके घर में जो कुछ भी था उसको भी उन्होंने लूट लिया। उन्होंने ये सब अपनी बहन दीना के साथ जो हुआ था उसके कारण किया। जब उसके पुत्रों ने नगर को लूट लिया, तब याकूब शिमोन और लेवी के पास आया। तुमने इस देश के निवासियों, कनानियों और परिजियों के मन में मेरे लिए घृणा उत्पन्न कराई है। इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए वे मेरे विरुद्ध एकत्रित होंगे, मुझ पर और मेरे घराने पर हमला करेंगे और हम सभी सत्यानाश हो जाएंगे। क्या हम उसे अपने बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करने दें? जब याकूब ने अपने बेटों का सामना किया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, बेतेल को जा और वहीं रह। वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों को इकट्ठा किया और उनसे बातें की। तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और स्वच्छ वस्त्र पहन लो। हम बेतेल जाएंगे, वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और मैं जहां भी गया वहां वो मेरे संग बना रहा। याकूब के सारे घराने ने और उसके सभी साथियों ने उन पराए देवताओं को जो उनके पास थे याकूब को दे दिया। उन्होंने अपने कुंडल भी उतार दिए और याकूब ने उन्हें उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकीम के पास है गाड़ दिया। और जब वे बेतेल की ओर यात्रा कर रहे थे, उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हिव्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। याकूब के पुत्र ये सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ को कर्म करके इसराइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। उत्पत्ति अध्याय 34 वचन 1, 2 और 7।